मार नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ। सोच रही हो क्या? मैं सोच रही हूँ कि हमें ये काम करना ही नहीं चाहिए था। कौन सा ये काम? इसे चाय बनाने को कहने का, पेइंग गेस्ट रखने का, और ये तेरा ही आइडिया था, और मैं भी आ गई तेरी बातों में। एक बार कह दिया ना, जब आंटी आने वाली होंगी तो उसे भगा देंगे। तू तो बेकार में घबरा रही है। घबराऊ नहीं, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे। जी में आता है कि सैंडल उठाकर सर पे मार दूं। किसके सिर पे? खुद के सिर पे। मैं सच कह रही हूँ, हम लोग बहुत बड़ी उलझन में फंस गए हैं। मुझे तो कोई उलझन नहीं नजर आती। क्यों? मुझे तू नजर आती है, ये कमरा नजर आता है, दीवार नजर आती है, बादल। ये आँख की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिमाग के आँख की बात कर रही हूँ। तो तुझे क्या नजर आता है? देख। देख नहीं, सुन। सुन, पेइंग गेस्ट रखने के लिए जो एड हमने अखबार में दिया था, वो हमारे बिल्डिंग के लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। But natural, पढ़े लिखे लोगों की बिल्डिंग है हमारी। फिर अगर उन्होंने हमसे सवाल पूछा तो? हट, फालतू के सवाल करने की किसी को फुर्सत नहीं। हाँ, लेकिन हम दो अकेली लड़कियाँ एक अकेले लड़की के साथ एक ही फ्लैट में। और अब दूसरा फ्लैट कहाँ से लाए? दो अकेली लड़कियां उस लड़की के साथ रही तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? तू तो मुझसे ऐसे पूछती है जैसे सबके दिल की बात मुझे मालूम होनी चाहिए। मुझे कैसे मालूम क्या कहेंगे? लेकिन ये लड़का है कौन, कहां से आया है, इसके बैकग्राउंड के बारे में भी तो हम कुछ नहीं जानते। वाह आंटी, आपने तो मुझे बुलाया था यहां पर पहरेदारी करने के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे बना दिया पेइंग गेस्ट। खैर ऐसी सही, लाइफ में कुछ थ्रिल्स तो होने ही चाहिए। पेइंग गेस्ट का पेइंग गेस्ट। हमें इससे खतरा भी तो हो सकता है। माइनॉरिटी कभी मेजॉरिटी से उलझने की कोशिश नहीं करती। अगर ये गलत आदमी निकला तो? ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर आ गया, वरना अगर कोई गलत आदमी पेइंग गेस्ट बनकर आ जाता तो? अगर ये चोर निकला तो? तुम्हारा सामान चुरा के ले जाता तो? रात को हमारे कमरे में घुस आया तो? तू तो मुझे डरा रही है। लेकिन तुम डरो मत आंटी, इन उल्टी खोपड़ी को तो मैं संभाल लूंगा। और उसके बातचीत करने के ढंग से ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। हाँ, डिपॉजिट भी नहीं दिया और किराया देने की बात भी टाल गया। देखा, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो? मत दे, हमने उसे पैसे देने के लिए थोड़ी रखा है, हमने तो उसे काम करने के लिए रखा है। और अगर उसने काम नहीं किया तो? स्टुपिड, किसे कह रही है? उसे, ऐसी हरकत करेगा वो? आंटी, यू रिलैक्स, अब तुम देखती जाओ मैं आगे क्या क्या करता हूँ। इतनी चाय पिलाऊंगा, इतनी चाय पिलाऊंगा। उसे रखने में हर तरफ से खतरा है, सोसाइटी का डर, चोरी का डर, बदनामी का डर और आंटी का डर। इससे पहले कि और कोई झमेला खड़ा हो जाए उसे निकाल देना चाहिए। हाँ, तू जैसा ठीक समझे कर, मैं चुप रहूंगी। क्यों, उसे रखने के वक्त तो बड़े आइडियाज आ रहे थे तुम्हें? हाँ, लेकिन अब सब आइडियाज जा रहे हैं। ठीक है, मैं उसे कह देती हूँ। क्या कहेगी तू? मैं कह दूंगी, देखिए मिस्टर, हमें कोई पीजी वीजी नहीं चाहिए, आप जाइए। नहीं 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 नहीं, भड़क गया तू? ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ। मैं कहूंगी, देखिए मिस्टर कुमार, हमारा आइडिया बदल गया है, हमें अब पीजी नहीं चाहिए, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, आते रहिएगा। आते रहिएगा क्यों, खुश हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चल चल, चढ़ा दिया पानी। वैसे आंटी, ये लड़कियां दिल की बुरी नहीं है। अगर आज तुम जिंदा होती तो
तुम देखती कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी तस्वीर से चिपक कर कितनी माँ, क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता? मैं तोड़ डालूंगा अपना सर, तोड़ डालूंगा ये तो पागल भी है। पागल है? तुझे नहीं लग रहा? हाँ, ऐसी हरकत कर रहा है तो फिर पागल ही होगा। देखा नहीं उसका चेहरा कैसे भयानक हो रहा था। हद, ऐसे तो उसका शुरू से ही है। मिसेस ब्रिगेंजा को माँ कह रहा था। तो फिर पागल नहीं है? क्यों, इस उम्र की औरत को और क्या कहेगा वो? पर मिसेस ब्रिगेंजा को माँ कह क्यों रहा था? दर्द तेरी की। क्या हुआ? उसने आते ही क्या कहा था? क्या कहा था? एक्टर है। एक्टर? वो तो एक्टिंग कर रहा होगा। चल चल देख, बहुत पसंद है। क्या तुम बहुत पसंद है? आके देखना। सुनो, नहीं है? नहीं है? जाएगा कहाँ? यही होगा। पूनम, लगता है वो बालकनी से कूद गया। कह के वो एक्टिंग नहीं कर रहा था, उसे पागलपन का दौरा पड़ा था। ठीक है, तू फालतू की बातें मत किया कर। अगर वो कूद गया होता तो बिल्डिंग में हंगामा नहीं हो जाता अब तक। हाँ, ये भी है। शायद वो चुपचाप निकल गया है। निकल गया? क्यों? चाय बनाने के डर से। यही कहीं होगा। पूनम अंदर है तो चल, उसे जाके कह देते हैं अब चाहिए। हाँ, रुकना, पहले चाय पी ले, नहीं तो फिर अपने आप बनानी पड़ेगी बाद में। देखा, फिर नहीं क्या पाएंगे? तो कहने की क्या जरूरत है? वो तो चाय बना रहा है ना बेचारा। तू ही उसे चोर लफंगा जाने क्या क्या कह रही थी, साथ में मुझे भी डरा रही थी। इसीलिए कहती हूँ अपने ब्रेन को ज्यादा स्ट्रेन नहीं देते। बस अब ज्यादा मत बोल, अभी वो आ रहा है। तू कभी तो बात को समझा कर, उसे निकालना है या नहीं? नहीं। लीजिए। वाह, पकौड़ी। फैंटास्टिक। अरे आप भी खाइए ना। हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हमें ये कहना है, बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, बात दरअसल ये है कि हम आपको ये कहना नहीं देना चाहती। अरे मैं बनाऊं आप बनाएं, एक ही बात है। नहीं नहीं, प्लीज डोंट माइंड, हमारा इरादा जरा सा बदल गया है। आप जाइए। मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, आप रुक जाइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग। हाउ आर यू मिस्टर कपूर? आई एम फाइन। What about you two? We're very fine. आप चाय पीजिएगा मिस्टर कपूर? ये तीसरा कप? आपके लिए। मेरे लिए? ये पूनम का इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग है, वो अभी अभी बता रही थी कोई आने वाला है। और आप आ गए, लीजिए ना। वेरी गुड। तो फिर पी ले। बैठिए 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 ना। हाँ, कैसे आना हुआ? भैया नीचे वाली मिसेस शाह बता रही थी कि तुम्हारे बाथरूम से पानी टपकता है। ऐसा बता रही थी? पर हम तो बाथरूम में पानी गिराती ही नहीं। नहीं, उनके कहने का मतलब ये नहीं है, टैंक के पास का पाइप फट गया शायद। हाँ, पर वो तो आंटी के रहते ही फट गया था, है ना? ये इल्जाम तुम पे नहीं लगाया जा रहा। आप बैठिए ना मिस्टर कपूर। हाँ। बैठिए ना। जरूर जरूर। मिसेस ब्रिगेंजा बता के गई थी कि आप लोग इस सोसाइटी का बिल पे करेंगे। अच्छा, ऐसा बता कर गई वो? हाँ, उन्होंने तो मुझसे यही कहा था कि मेरी बेटियां आपको ठीक वक्त पे पैसा दे देंगी। क्या बताया था उन्होंने वो ठीक टाइम? वैसे तो कल ही दे देना था, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं था ना, इसलिए कल दे देना। कितना है? 750। तीन महीने का बाकी है। 3 महीने का? वाह रे मेरी आंटी, हम लोगों को बेची बेची। चुप। पंद्रह दिन के बाद देंगे, चलेगा? चलेगा, चलेगा। वैसे आज का ये न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना पूनम। मैं तो रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। इसलिए तुमने इसमें ऐड दिया था? इसी ने दिया था। ये करती है ऐड एजेंसी में काम? मैं तो कई एड्स रोज देती हूँ कपूर साहब, सारे एड्स तो मेरे ही थ्रू जाते हैं। इसीलिए इस फ्लैट में एक पीजी रखने का ऐड दिया था। पीजी? वो क्या होता है? किराएदार होता है, जो पैसा देकर परिवार की तरह रहता है, साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, जो लोग तुम खुद हो। अच्छा। मैं पूछता हूँ कि मिसेस ब्रिगेंजा ने तुम दोनों को इतना हक कैसे दे दिया कि तुम लोग एक पीजी होकर एक पीजी और रख लो। हाँ,
तूने ये ऐड कब दिया मुझे भी नहीं बताया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कोई ऐड नहीं दिया। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। भला हम क्यों देंगे ऐड? ऐसा कोई लॉ नहीं जिसके बेसिस पर हम ये राइट्स हासिल कर सके। और अगर ऐसा लॉ होता भी तो भी हम ऐसा ना करते। हाँ। तो तुम लोगों ने ऐड नहीं दिया? नहीं दिया ना? नहीं। तो फिर ये क्या? ये। ओ, आपकी फोटो आई है। अच्छा, देखा फाड़ दिया ना। सॉरी मिस्टर कपूर। देखो इसमें साफ साफ लिखा नो, ये तो मिस प्रिंटिंग लगती है। इतनी जबरदस्त ऐसा हो ही नहीं सकता। आप नहीं जानते कपूर साहब। शट अप अंकल, बोल। आप नहीं जानते अंकल जी कि आजकल के न्यूज़पेपर वाले कितने केयरलेस हो गए हैं। आपने कल का हिंदी पेपर पढ़ा था? नहीं। उसमें पेज नंबर 4 कॉलम नंबर 8 पर एक खबर आई थी, हनुमान तांडव का नाच। एक्चुअल में ये क्या था आप जानते हैं? हनुमंत यादव की जांच। ये तो मैंने भी पढ़ा है ना। इतना सिली है। हाँ, ऐसा तो होता ही है। हाँ। होता है? हाँ। है ना? हाँ। हाँ। तो तुम लोगों ने ऐड नहीं दिया? नहीं नहीं। मिस प्रिंटिंग है। हाँ। तो किचन में किसको छुपा रखा है? आप बैठिए, मैं उसे भेजती हूँ। वो है कौन? मिसेस ब्रिगेंसा का नेफ्यू है, आज ही आया है। किस लिए? बॉम्बे घूमने। तो किचन में क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, शायद चाय बना रहा है अपने लिए। आप पियेंगे? नो, थैंक यू। उसका नाम क्या है? कुमार भैरव। कुमार भैरव? तो फिर ये मिसेस ब्रिगेंसा का नेफ्यू नहीं हो सकता। आई पूना, मुझे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा था। उसे यहाँ से निकालने का कोई तरकीब सोचूं? मैं कुछ सोचूं? तुम चुप रहो जी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हाँ। कमाल है, लोगों ने ऐड में चला आया। सोचना सोचना, क्यों मुझे बार बार सोचने को कहती है? मेरे बाल झड़ गए तो नहीं जाएंगे। सोचना सोचना। अच्छा पकड़। वो तो यही जम गया। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ करूं? जो करना वो करो, लेकिन उसे यहां से भगाओ। ओके, अब देखिए मेरा कमाल। रेडी फॉर टेक। कैमरा, लाइट्स, एक्शन। हेलो मिस्टर कपूर। कपूर? हाँ सॉरी, किचन में कपूर स्वयं है। हाउ आर यू? आई एम फाइन, बट हु आर यू? आई एम रॉनी गोंसाल्विस। रॉनी? कुमार भैरव। अच्छा 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 अच्छा, इन लड़कियों ने आपको मेरा फिल्मी नाम बता दिया। बच्चियां हैं, भोली हैं। Excuse me, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, इन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आई एम मिसेस ब्रिगेंजा'स नेफ्यू। मैं कैसे यकीन कर लूं? कोई जबरदस्ती नहीं है, इट्स अप टू यू। आप मुझे कोई ऐसा सबूत दे सकते हैं जिससे मैं आपकी बात पर यकीन करूं? Yes. मैं ये क्यों ना समझूं कि आप पीजी हैं और ये ऐड देख कर आए हैं, इसीलिए लड़कियों ने आपको किचन में छुपा रखा था। यानी सिर्फ इस ऐड के बेस पर आप मेरे और मेरी आंटी के ब्लड रिलेशनशिप को शक की नजर से देख रहे हैं? बुरा मत मानिए मिस्टर रॉनी। जी हाँ, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और इन सब की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। देखिए ऐसा है मिस्टर कपूर की कपूर, आप इस हाउसिंग सोसाइटी का काम ऑनेस्टी कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि बिल्डिंग फंड में से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग आप पर इन तरीकों का इल्जाम लगाते हैं कि मिस्टर कपूर हाउसिंग फंड में से रिपेयर के नाम से पैसा बनाते हैं। What do you mean? क्या मैं पैसा खाता हूं? मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आपको ये मालूम हो गया कि बिल्डिंग फंड में से रिपेयर के लिए पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, और अगर आप ये शुरू भी कर दें तो इसमें गलती अब आपकी नहीं है, नहीं, लेकिन तो तरीका बताने वालों की है। लेकिन एक मिनट मिस्टर कपूर। अब देखिए ना, इन इनोसेंट लड़कियों को नहीं पता था कि मिसेस ब्रिगेंजा के पीछे किसी दूसरे बेइंग गेस्ट को रखकर और उसे मिसेस ब्रिगेंजा का रिश्तेदार बताकर 10,000 रुपया डिपॉजिट और 500 रुपया महीना ये कमा सकते। ये नहीं जानती थी?
लेकिन आज आपने उनको ये तरीका बता दिया। लेकिन ये एड? हाँ, यस, वेरी बैड। पर अगर मैं बेवकूफी की भी एड देने की तो उस आने वाले पेइंग गेस्ट से, जो खतरनाक भी हो सकता है, इनको और इस फ्लैट को बचाना आपका और मेरा फर्ज है। इसीलिए जब आंटी ने बुलाया तो मैं चला आया। पूनम, ये कोई सचमुच आंटी का नेफ्यू तो नहीं? मैं तब से यही सोच रही थी। हेलो, यस, दिस इज 4121984। यस, व्हाट? ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से फोन कर रहा है। आ, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग आंटी। यू स्टुपिड फेलो, आंटी किसको बुलाता है? मरे मुआ, तुम पागल हो गया क्या? पूनम को टेलीफोन दो। पूनम इज हियर, सुनीता आल्सो हियर। दोनों ठीक है, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। अरे तुम फूल किसको बनाता है? कपूर साहब भी यहाँ बुलाए हुए हैं। व्हाट? कपूर? नहीं नहीं, फितूर नहीं। कपूर, कपूर, के फॉर काइट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर पूर। शट अप, इंग्लिश हमको सिखाता है, हमको अंग्रेजी बराबर बोलने को आता है। कपूर साहब, यस। आप कौन बोल रही हैं? हेलो। काय को उसको हेलो बोलो। टाइम अप। अच्छा। अरे, आफ्टर यू अगेन। वेस्टे। हमको वेडनेसडे को बुलाता है। अरे हम अभी आता है, समझा? ओके। बाय बाय, टेक केयर। टाइम अप। पता नहीं, वेंसडे को फोन करेंगे। नम, ये तो सचमुच का नेव्यू निकला। तूने कहा था ना, पीजी रखते हैं, पीजी रखते हैं, कोई झमेला नहीं होगा। मैंने आंटी के नेव्यू को पीजी रखने को थोड़ी कहा था। तू नहीं रख लिया। मैं तो उसे कब की भगा रही थी, तूने कहा रख लेना, रख लेना, काम करेगा। अब क्या खाक काम करेगा, हम ही से करवाएगा। मर गए पूनम। अगर आंटी को पता चला ना तो चूटिया पकड़ के घर के बाहर निकाल देगी। कितनी बेइज्जती होगी हमारी। जी 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 जी। अब क्या किया जाए ये सोच। तू सोच ना, तू ठीक ठीक सोचती है। पूनम चला, मुझे पटा लेते हैं। मुझे तो पहले से ही शक था, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, धोखेबाज कहीं का, हमें उल्लू बनाया। अब तुम लड़ मत पड़ना उससे, मैं मनाती हूँ। नाइस मीटिंग यू मिस्टर रॉनी। ओह यस सर, मिस्टर कपूर। मैं नीचे रहता हूँ, आइए कभी मुलाकात। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर, प्लीज ड्रॉप इन व्हेनेवर यू वांट टू सर। बाय बाय सर, थैंक यू। बोलते बोलते तो गला सूख गया। पूनम, कुमार के लिए पानी ले आ जा। क्या आप सचमुच? एक मिनट। पानी ठंडा है ना कुमार? यस, थैंक यू। जान में जान आ गए। ग्लास किचन में। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब। एक मिनट। यस। जरा सांस तो लेने दीजिए। आप दोनों की खड़ी की गई प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। हाँ, हाँ, सांस लीजिए, आप जितनी चाहे लीजिए, मैं आपको हवा दूँ। आपने मैं उल्लू क्यों बनाया? उल्लू? अगर आप आंटी के नेव्यू थे तो आपने पेइंग गेस्ट बनने का नाटक क्यों किया? इतना बड़ा धोखा। इसमें धोखा कहेगा? हाँ। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि ये आंटी के नेफ्यू है। हाँ? देख शक्ल कितनी मिलती है। आप हमें सच सच भी तो बता सकते थे। हाँ ये भी है, हम आपको भगा थोड़ी देते हैं। अब तो आप दोनों के भागने के चांसेस ज्यादा हैं। तुम आंटी को बताओगे तो नहीं ना कुमार? नहीं, बताऊंगा तो नहीं। थैंक यू। मगर एक शर्त है। देखिए, कान खुलकर सुन लीजिए, आप हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ब्लैकमेल? हमें कुछ करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओह हाय रूबी। हाय। जल्दी, तुमको जरूरी बात करने को आया है। हाँ, तो बोलो ना। अरे इधर नहीं, अंदर चलो। कम ऑन, इनसाइड। हम तुमको बोलने को आया है कि ये आदमी बहुत डेंजरस है, अरे इसे संभाल के रहना। अरे मैं तो कहती हूँ उसको निकाल डालो। जस्ट थ्रो हिम आउट।
अरे ये तो बड़ा 420 है, 420। नहीं नहीं 420 नहीं है रूबी, ये आंटी का नेव्यू है। हमने लफड़ा, हमको बोला छोकरी का छोकरा है, तुमको बोला नेव्यू है। अरे एक्चुअल में क्या है, फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड। कि तुम कैसे कह सकते हो? हमारा दिमाग में तो उसी वक्त से घूम रहा था कि मिसेस ब्रिगेंजा की छोकरी की उम्र अभी 30 साल की है, तो उसका लड़का इतना बड़ा कैसा हो सकता है? नहीं, वो तो मिसेस ब्रिगेंजा की बहन का लड़का है। फिर अभी हमको टेलीफोन पर उसने उल्लू क्यों बनाया? टेलीफोन पर? हाँ, हमको पार्टी में सडनली स्ट्राइक हुआ कि वो झूठ बोल रहा है, तो हमने तुमको वार्न करने के लिए टेलीफोन किया। उसने उठाया, मैं बोली कि मैं रूबी बोल रही हूँ, तो उसने मेरे को आंटी बोल दिया। और मैं तो फिर लिंकिंग रोड से बात करती थी, और उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो ऑस्ट्रेलिया से बात करता था। अरे मेरे को तो उसी वक्त मालूम पड़ा कि दाल में कुछ काला है, सो आई केम टू वार्न। अरे तुम लोग को क्या हो गया है? जो होना चाहिए था, जो होना चाहिए था होना चाहिए था। मैं तो पार्टी छोड़ के तुम लोग को वार्न करने के लिए आई थी। आई मस्ट गो, हाँ तुम लोग संभाल के रहना। हाँ बाय बाय। क्या इरादा है? जो पहले था उसको भगा देने का? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कर। एक अच्छा लड़का है, काम करेगा। मिस्टर कपूर से उसने बचाया कि नहीं हमें? ठीक है, नहीं रखना चाहती तो निकाल दे, फिर तू ही करना काम, मैं तो कुछ नहीं करूंगी। रख लें। यही तो मैं कह रही हूं। रानी। हेलो गोंजाल्विस। Mrs. Briganza's nephew. That's right. That is right. चलिए। लेकिन आहा, भैरव किचन में। पल पल में यूं बीते पल, पल पल में हो जाए कल।